ये साइड वाला सीरम बहुत ही अच्छा फ्रिज कंट्रोल करता है, लेकिन ये साइड वाला नहीं करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऑल योर्स नौटंकी नानी। और हमेशा की तरह मैं आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। नहीं, एक प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो मैं दो ऐसे प्रोडक्ट है जिसका मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बताने वाली हूँ। दो सेरम्स है उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। दोनों के प्लस पॉइंट्स और दोनों के माइनस पॉइंट्स मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा मैं इसको अपने हेयर में, दोनों को बाल के दो साइड में यूज़ करके बताने वाली हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इंस्टेंट डिफरेंस दिखे दोनों में। तो चलिए पहले मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ कि वो है कौन सा प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है, पहला तो है सिल्क एंड साइन हेयर सीरम, और दूसरा जो है वो है ये स्ट्रिक्स का सीरम। तो आज मैं ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ साथ में। तो बाकी डिटेल्स है मैं वो आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है सिल्क एंड शाइन हेयर सीरम विथ विटामिन ई एंड आर्गन ऑयल। ये दावा करता है कि ये फेस फ्री करता है आपके हेयर को और इंस्टेंट स्मूथनेस भी देता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये कुछ 145 ml का आता है और इसकी क्वांटिटी आपका है कुछ 50 ml। बहुत ही अच्छा सीरम है। इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ही वाटरी बेस्ड है, पर इसका एक चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इसके जो बॉटल है उसमें लिखा नहीं है कि हाउ टू यूज। तो अगला जो सीरम है वो है स्ट्रिक्स का हेयर सीरम वाइटलाइज्ड विथ वॉलनट ऑयल। इसकी जो प्राइस है वो 130 रुपीज़ है, और इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो वो कुछ 45 ml का आ जाता है। तो अपना मैं अपने दोनों बालों का अच्छे से पार्टीशन करूंगी और आपको लगा के दिखाऊंगी दोनों बाल के दोनों साइड पे अच्छे से सीरम को। तो जो पहला सीरम मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है सिल्क एंड साइन हेयर सीरम। इसका मुझे स्मेल बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिज कंट्रोल करता है। मैंने इसका बस एक पंप लिया है जो मेरे एक साइड के बालों के लिए इनफ है। ऐसा तो इसका एक पंप मेरे दोनों साइड के बालों पर हो जाता है। पहले ना सीरम को अपने हाथों पे अच्छे से रब कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपने बालों के बीच से लेके टिप तक लगाइएगा। कभी भी पहले स्कैल्प में मत लगाइएगा, उसके बाद जो आपके हाथों पे बच जाएगा उसको स्कैल्प पे लगा लीजिएगा। एक्चुअली स्कैल्प पे नहीं, ऊपर की तरफ बालों पे। नेक्स्ट जो सीरम मैं लगाने वाली हूँ वो है स्ट्रिक्स का हेयर सीरम। इसका भी स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी भी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये वाइटलाइज्ड है वॉलनट ऑयल से। वॉलनट ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने बालों के दोनों तरफ दो अलग तरह के सीरम लगाए हैं, पर आपको डिफरेंसेस वैसा कुछ नहीं लग रहा होगा। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है लगा लेने के बाद, दोनों ही अच्छे से फ्रिज कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो सिल्क एंड साइन हेयर सीरम है ना, वो स्ट्रिक्स वाले हेयर सीरम से ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा अच्छा फ्रिज कंट्रोल करता है, ज़्यादा देर तक रहता भी है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। आज का मेरा रिव्यू बस यहीं तक था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो देख के चीज़ें खरीदने में आसानी हो। तो चलिए, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।